नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है दिल्ली सरायरोधा बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस की, जो वाया नारनौल श्री माधोपुर रिंगस अजमेर के रास्ते चलती है। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रेन नंबर 22950 दिल्ली सरायरोधा बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो सप्ताह के हर गुरुवार को दिल्ली सरायरोधा से बांद्रा टर्मिनस के बीच चलती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसके ट्रैवल टाइम की, तो यह दिल्ली सरायरोधा से बांद्रा टर्मिनस के बीच 1346 किलोमीटर की यात्रा लगभग 22 घंटे 55 मिनट में पूरा करती है। इसके बीच यह 25 स्टेशनों पर रुकती है। इसकी एवरेज स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस ट्रेन में लगने वाले कोच की, तो इसमें LHP रेक श्रेणी के सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास तथा सेकेंड सीटिंग के कोच लगते हैं। दोस्तों, यह ट्रेन पूर्ण रूप से आरक्षित ट्रेन है। दोस्तों, अगर आपको इस ट्रेन का टिकट किराया जानना है तो कृपया IRCTC की वेबसाइट पर जाकर एक बार अवश्य चेक कर ले। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ ट्रेन में लगने वाले लोकोमोटिव की, तो इसमें दिल्ली सरायरोधा से बांद्रा टर्मिनस के बीच बड़ौदा लोको सेट का Wave 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगता है। तो आइए दोस्तों, इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में विस्तारित रूप से जान लेते हैं। दोस्तों, दिल्ली सरायरोधा बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो दिल्ली सरायरोधा से शाम को 4:15 पर रवाना होने के बाद इसका पहला स्टेशन है दिल्ली कैंट, 4:30 पर पहुंचते हैं। 2 मिनट के ठहराव के बाद 4:32 पर यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचे गुड़गांव 4:48 पर, 2 मिनट के ठहराव के बाद 4:50 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचे रेवाड़ी जंक्शन 5:35 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 5:37 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचे नारनौल 6:21 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 6:27 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचे नीम का थाना 6:59 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 7:01 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचे श्री माधोपुर 7:29 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 7:31 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचे रिंगस जंक्शन 7:44 पे, 3 मिनट के ठहराव के बाद 7:47 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचे फुलेरा जंक्शन 9:20 पे, 5 मिनट के ठहराव के बाद 9:25 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचे किशनगढ़ 10:07 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 10:09 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचे अजमेर जंक्शन 10:50 पे, 10 मिनट के ठहराव के बाद 11:00 यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचे रानी 1:31 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 1:33 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचे फालना 1:46 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 1:48 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है पिंडवाड़ा 2:27 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 2:29 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है आबू रोड 3:10 पे, 10 मिनट के ठहराव के बाद 3:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है पालनपुर जंक्शन 4:18 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 4:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है महेसाना जंक्शन 5:23 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 5:25 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है साबरमती 6:34 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 6:36 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है अहमदाबाद जंक्शन 7:10 पे, 15 मिनट के ठहराव के बाद 7:25 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है नडियाड जंक्शन 8:09 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:11 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है आनंद जंक्शन 8:24 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:26 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है बड़ोदरा जंक्शन 9:00 तक 5 मिनट के ठहराव के बाद 9:05 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है भरूच जंक्शन 9:59 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 10:01 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है सूरत 11:25 पे, 5 मिनट के ठहराव के बाद 11:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है वापी 12:40 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 12:42 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है बोरीवली 2:11 पे, 2 मिनट के ठहराव के बाद 2:14 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है बांद्रा टर्मिनस 3:10 पे, तथा यहाँ पर अपनी यात्रा को पूरा करती है। दोस्तों, ये थी एक छोटी जानकारी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।